तो चलिए राजस्थान के फेमस गट्टे आज हम लेके आ गए हैं जायका प्रीमियर लीग में आपके लिए। गट्टे से बनाएंगे दो शाही हलवाई स्टाइल रेसिपी आपके लिए। तो स्टार्ट करें मैम की। यस बताइए। तो ये हमारे गट्टे यहाँ रेडी है, लेकिन मैं आपको आज आटा बनाना सिखाऊंगी इसका। तो ये हम पहले बेसन लेंगे इसमें, और बेसन में हम सारे मसाले डालेंगे इसमें। पहले पड़ती है हींग। हींग जो है अच्छी मात्रा में पड़ेगी, क्योंकि उसी से खुशबू और स्वाद आती है। ओके, सो देखिए हैव सपोर्टेड अप। हाँ, और फिर हम डालेंगे हल्दी, टर्मरिक, लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर भी अच्छे से पड़ेगी, क्योंकि इससे बहुत स्वाद आता है। रेड चिली पाउडर। फिर इसमें पड़ेगा नमक स्वाद अनुसार, सॉल्ट, और इसमें मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है साबुत धनिया सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, और साबुत सौंफ। ओके, इससे हम इसको हम थोड़ा सा अधकचरा मैश करेंगे, ताकि ये ज्यादा मुंह में नहीं आए। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे होल कोरिएंडर सीड्स और फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ और खड़ा धनिया हमने लिया है, और उसको हल्के से बेलन से इसको कोर्सली हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर रहे हैं, और फिर और इसे हम हमारे आटे में मिक्स कर देंगे ऐसे। ओके, एंड इसमें हम आप तेल डालेंगे। इसमें मोइन बहुत अच्छा पड़ता है, इसमें आप कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर गट्टे बहुत हार्ड बनेंगे अपने। Okay. तो मैंने अंदाजन इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। पहले मैं आपको मिक्स करके बताऊंगी इसका कंसिस्टेंसी क्या होना है। ओके, आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम विमकी गिरिया के संग आपको दिखाने के लिए गट्टे की ये दो शाही रेसिपी हलवाई स्टाइल। मजा आ जाएगा, गट्टे देखिए वर्ल्ड फेमस है। ये हमारी कंसिस्टेंसी है, जब ऐसे मुट्ठी बन जाती है मतलब तेल काफी है। अब इसमें कई लोग पानी डाल करके आटा बनाते हैं, हम दही डालेंगे। ओके, तो दही यहाँ पे मैंने डाली थोड़ी सी। ओके, इसको फिर मैं मिक्स करूंगी। तो देखिए दही से हम दही से क्यों गूंथ रहे हैं विमकी यहाँ पे? इससे इंश्योर होता है कि गट्टे बहुत सॉफ्ट बने, सॉफ्ट बनते हैं, और ये विमकी की मम्मी की टिप है। राइट, जैसे उनकी मम्मी की स्पेशल टिप है कि एकदम सॉफ्ट आपके गट्टे बनेंगे। तो ये यहाँ पे बना रही है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपको थोड़ा सा पानी डालना हो तो ये याद रखिएगा कि आप पानी वार्म लेंगे, लुक वार्म लेंगे। अच्छा, निवाया पानी हम लेंगे। और ये देखिए विमकी ने यहाँ पे मल्टीटास्किंग होने वाली है, गट्टे को यहाँ पे पानी बॉईल कर लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। वहीं से आटे को अब हम इसको ढक करके 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। ओके, और ये देखिए हाथ में तेल भी लगा लेंगे, ताकि मैंने हाथ में तेल लगा लिया ताकि ये आटा जो है आराम से निकल जाए। ओके, और अब हम इसको नीड कर सकते हैं अच्छे से यहाँ पे। 15 मिनट के बाद हमने आटा रेडी रख लिया यहाँ पे। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस, ना चाहिए कड़ा ना चाहिए ज्यादा नरम, जस्ट राइट। देखिए okay. ये ऐसे हो जाएंगे हमारे गट्टे। अब हम इसको ऐसे टुकड़े करके रोल करेंगे। और देखिए तेल लगा के आप जब आटे को लास्ट में मोइन डालेंगे तो उससे पूरा साफ भी हो जाता है आपका। हाँ। तो ये देखिए ऐसे हम रोल करेंगे, जितने पतले बनेंगे उतने सॉफ्ट और बहुत क्यूट लगेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताए हैं एकदम पतले। तो ये रोल करके फिर हम क्या करेंगे मैम? हम गरम गरम पानी में बॉईल करेंगे। ओके, सो देखिए रोल करके हमने वहाँ पे बॉइलिंग पानी रख रखा है, तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सो देखिए ऐसे बॉईल पानी में आप रोल्स बना के डाल देंगे। हाँ, बॉईल पानी में। और ये कितनी देर के लिए हमें करना है? करीबन 5 मिनट। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि पानी एकदम अच्छे से बॉईल हो, क्योंकि अगर आप कम बॉइलिंग में रखेंगे तो फिर ये नीचे चिपक जाएंगे गैस में। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसे 2 बना दिए, तो आप गट्टे के ऐसे लेयर्स बना दीजिए जैसे विमकी बना रही है। हाँ। और फिर करीब 5 से 7 मिनट बाद आपके गट्टे जो हैं आप उसमें देखेंगे हमने यहाँ पे 2 बना लगे। तो ये जो आ जाते हैं इसमें, ये बबल्स आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें 2 टिप्स हैं। एक तो गट्टे हमारे कढ़ाई में ऊपर आ जाएंगे पानी में, इट विल राइज अप। हाँ हाँ, तो ऊपर आ जाएंगे। और सेकंड ये है कि इसमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे गट्टे बन गए। तो हमारे गट्टे बन गए। ओके, अब इनको आप निकाल लेंगे, कट करके बताऊंगी। देखिए जब बबल्स आ जाए और राइज अप हो जाए तो उनका पानी ड्रेन आउट कर दीजिए, और फिर उसको देखिए ऐसे कट करके हम हमारे गट्टों को रेडी कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारे गट्टे रेडी हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं घी डालूंगी, क्योंकि शाही सब्जी तभी बनती है जब घी अच्छे से बनती है। तो देखिए ये हलवाई स्टाइल हम सब्जी यहाँ पे बना रहे हैं। पहले मैं आपको गट्टे की सब्जी बताने वाली हूँ। जब घी गर्म हो जाए हम इसमें सौंफ डालेंगे और जीरा डालेंगे। तो देखिए हमारे घी को जब तक गर्म हो रहे हैं तब तक विमकी आपने साइड में चावल की भी तैयारी कर रखी है, राइट? जी, चावल की भी मैं तैयारी की हूँ।
सबसे पहले मैं आपको ग्रेवी में बताऊंगी क्या क्या डालेंगे। ओके ये हमारे यहाँ पे दही है, दही को सबसे पहले हम बीट करेंगे अच्छे से। ओके ये बहुत जरूरी है कि ये अच्छे से बीट हुए हुए हों, और मैं सारे जो मसाले हैं मैं इसी में डालूंगी। ओके तो देखिए राजस्थान को अगर आगे बढ़ाना है तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए, तभी राजस्थान आगे जाएगा नेक्स्ट वीक के फाइनल्स में। इसमें पड़ेगा हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, ओके गरम मसाला, ओके और धनिया पाउडर, ओके और इसको हम विस्क करके रेडी रखेंगे। राजस्थान के गट्टे की सब्जी और गट्टे के पुलाव यहाँ पे बन रहे हैं, आपके लिए रेडी हो रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जो घी अगर गरम हो गया है हम उसमें हींग डालेंगे। ओके सो ये ऐसा फोर्टिडा हमने डाला, जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए कम आंच में इसमें हम दही डाल देंगे। ओके तो देखिए कम आंच स्लो फ्लेम हम यहाँ पे कर देंगे। देखिए स्लो फ्लेम और इसको लगातार चलाते रहना है आपको, नहीं तो दही फट जाता है। हाँ दही फट जाएगा आपका, तो जब तक कि बॉईल नहीं आ जाए तब तक आप इसको लगातार चलाते रहें। दही रूम टेम्परेचर का आपका होना चाहिए, अगर फिर से डायरेक्ट डालेंगे तो फटने के 100% चांसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे गट्टे भी वहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, तो लगातार चलाते रहिए गट्टे की शाही सब्जी। आप चाहें तो गट्टों को अगर आपको सॉफ्ट पसंद नहीं है तो विम जी हम इसको फ्राई भी कर सकते हैं, राइट, उससे थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो आप घी में गट्टे डाल करके हल्के से फ्राई करके निकाल के रेडी रख सकते हैं, फिर आप उस ग्रेवी में फिर इसमें डाल सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको चलाते रह रहे हैं हम, उबाल बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ये स्लो फ्लेम पे ही करना है हमें, मीडियम टू स्लो फ्लेम। ओके ये बस इसलिए ताकि ये दही फटे नहीं। चलते हैं हम चावल की तरफ यहाँ पर जी, अभी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो चावल हम यहाँ पे बनाएंगे और ये देखिए घी हम डालेंगे, और ये गट्टे के पुलाव भी जो है ना, गट्टे के राइस बहुत फेमस है राजस्थान में, मजा आ जाता है खा के इनको। और ये देखिए गट्टे हमारे यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, तब तक हमारा घी जब तक गर्म हो रहा है तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल आने लग गए हैं और ये राइस भी होने लग गए हैं, ये गट्टे ऊपर भी आ गए हैं और आप ये यहाँ देख सकते हैं बबल्स भी फॉर्म हो गए हैं। तो ये हमारे गट्टे यहाँ रेडी हैं, तो हम गैस को बंद करेंगे, चलते हैं राइस की तरफ जी। इसमें बस आप ध्यान रखिएगा कि यही पानी हम रखेंगे ग्रेवी में डालने के लिए, तो हमने साइड में रख रखा है जी। अब सबसे पहले घी में मैं डालूंगी जीरा, फिर मैं डालूंगी साबुत मसाले, खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी। ओके और फिर इसमें डालेंगे काजू और किशमिश। तो देखिए शाही राजस्थान गट्टे के पुलाव हलवाई स्टाइल यहाँ बन रहे हैं, तो काजू किशमिश तो डालना जरूरी है, कैश्यू नट्स और रेजन्स हमने यहाँ पर डाले हैं। और जब तक ये हो रहे हैं तो देखिए वहाँ पे हमारा सब्जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे घी और ग्रेवी जो है सेपरेट हो गई है। हाँ हाँ जैसे ही अलग हो जाए हम इसमें गट्टे मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे जो हमने गट्टे वाले बॉइलिंग वाटर से निकाला था। देखिए मुंह में पानी आ रहा है, तो लाइक जरूर करिए, जायका प्रीमियर लीग में राजस्थान की शाही सब्जी आज आपके आई है। और ये देखिए वो जो पानी हमारा गट्टे का बॉईल हुआ था ना, वो अब इसमें डलेगा, तो उसको फेंकना नहीं है आपको, ताकि आप अपनी कंसिस्टेंसी जैसी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। अब चावल में काजू देखिए आप ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें मैं डालूंगी मटर, और मटर के साथ मैं डालूंगी गट्टा। तो देखिए यहाँ पर हमने मटर लिए, हमने नॉर्मल मटर लिए ना, नॉर्मल बॉइल मटर लिए हैं। ओके और मैंने गट्टा लिए हैं, इसको हम सौते करेंगे। काजू किशमिश ब्राउन हो गए हैं, आपको कम ब्राउन करने हैं तो आप लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं, मुझे क्रिस्पी पसंद है तो मैंने इनको डार्क ब्राउन किया। ओके तो देखिए यहाँ पर चॉइस आपकी है, यहाँ पर बन रहे हैं, शादियों में आपको गट्टे की सब्जी जैसी मिलती है, तो मोइन घी आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं, पर शादियों में जाएंगे तो उसमें घी तो डलता ही डलता है। अब चावल में मैं डालूंगी हल्दी और मिर्ची, ओके और नमक, और फिर चावल डालूंगी। जायका का तड़का आपको क्यों पसंद है जरूर बताइएगा, जायका प्रीमियर लीग चल रहा है तो उसमें आपको फ्रेश रेसिपी देखने को मिल रही है। मुंह में पानी आ रहा है गट्टे के पुलाव खाने के लिए, तो भी लाइक करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये देखिए जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ इसका बहुत प्यारा सुहाना कलर आ रहा है बिल्कुल। और ये देखिए हमारी रेडी हो चुकी है दो रेसिपीज, थोड़ा सा नींबू आप चावल में मिला दोगे ताकि थोड़ा टेस्टी हो जाए।
रेडी है मजेदार हमारे गट्टे के पुलाव और गट्टे की शाही सब्जी। चावल हमारे यहाँ पे रेडी है, रेडी है। और गट्टे ये भी उबल रहे हैं, इसमें हम लास्ट फिनिशिंग टच के तौर पे कसूरी मेथी डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे हाथ में क्रश करके फिर हम डालेंगे, इससे बहुत खुशबूदार होते हैं गट्टे। देखिए फ्लेवर आ जाता है और गट्टे की सब्जी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो राजस्थान को आगे बढ़ाना है तो लाइक करिए, नहीं तो राजस्थान पीछे रह जाएगा। जायका प्रीमियर लीग में रोज एक नई सिटी आ रही है, विम की सर्व करिए ताकि मम्मी यहाँ पे आके टेस्ट कर सके। मम्मी तो खुद ही राजस्थान की है तो वो आके बताएंगी कि कैसी लगी उनको ये रेसिपी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। हमारे फेसबुक ग्रुप जायका का तड़का भाई विजय हल्दिया ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जायका प्रीमियर लीग में और रोज आप जीत सकते हैं नए नए इनाम। और ये देखिए रेडी हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर रेडी है। तो मम्मी आर यू रेडी खाने के लिए? खम्मा गणेशा। हाँ तो देखिए मम्मी बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में डिशेस तो खम्मा गणेशा ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, डिशेस को वर्ल्ड फेम डिशेस है, ये दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। हाँ तो देखिए, और विमकी तो खुद ही उनका मायका और ससुराल राजस्थान का ही है। तो यहाँ पे देखिए अब मम्मी टेस्ट करके बताएंगे गट्टे के पुलाव और गट्टे की सब्जी। यहाँ पर मन कर रहा है आपका खाने का तो लाइक में कोई कमी मत छोड़िए, लाइक्स कर दीजिए ताकि पता चलेगा कि आप राजस्थान की वर्ल्ड फेमस रेसिपीज दिखाना चाहते हैं। मम्मी कैसा बना है? एक्सीलेंट बनी है आंटी, दोनों गट्टा भी टेक्सचर कैसा है? बहुत अच्छे साइज हुआ और सॉफ्ट बने, एकदम गट्टे भी सॉफ्ट बने। तो मम्मी आप 10 out of 10 पास कर रहे हो यहाँ पर। 11 आपने बोल दिया तो फिर आप बोल दिया तो बोल सकती हूँ आप भी राजस्थान की। मैं बहुत बढ़िया, आप भी बनाकर खाइए ऐसे कैसे, बहुत बढ़िया बिल्कुल राजस्थानी टच है इन सब्जियों में बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमारे गट्टे और गट्टे के पुलाव, गट्टे की सब्जी और गट्टे के पुलाव रेडी हो गए। थैंक यू सो मच विमकी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल रेसिपी। मिलेंगे तुम्हारा जायका का तड़का में राजस्थान की रेसिपी। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और राजस्थान को जरूर बढ़ाइएगा। बाय बाय एवरीवन।